वेलकम बैक साथियों, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का पलटू क्रेजी रिएक्शन इंटरव्यू में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पठान मूवी का जिस प्रकार से भारत के अंदर जो हलचल हो रही है रिलीज से पहले, पठान मूवी आपको बता दूं कि कुछ दिन बाद ही सिनेमा के अंदर रिलीज होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक और चर्चा चल रही है जो आप नेट पर देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या चर्चा चल रही है। पठान मूवी 25 जनवरी को रिलीज हो रही है, लेकिन उससे पहले जवान मूवी का ट्रेलर जारी किया जा सकता है, ट्रेलर या टीजर जारी किया जा सकता है। सॉरी, टीजर भी जारी नहीं हुआ है, तो टीजर जारी कर सकती है जवान मूवी का यहां पर रेड चिल एंटरटेनमेंट। और मूवी की अटकलें तेज होती जा रही है, यानी 2 जून 2023 को इस मूवी की रिलीज डेट रखी गई है, यानी मूवी सिनेमा के अंदर रिलीज होगी। यानी बैक टू बैक यहाँ पे शाहरुख खान लगभग 5 महीने बाद एक और मूवी दे रहे हैं, जवान से पहले पठान, पठान के बाद जवान। यानी जिस प्रकार से वो साइलेंट थे कुछ सालों के बाद, और अब अपनी साइलेंटी या अपनी चुप्पी तोड़ते हुए किस प्रकार से वो अपनी फॉर्म में वापस लौट रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से एक पावरफुल किरदार के अंदर यहाँ पर शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। पठान मूवी के अंदर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसको भी शाहरुख खान ने नज़रअंदाज करते हुए चैलेंज किया है कि मैं इस मूवी को फ्लॉप नहीं होने दूंगा। और शाहरुख खान की फिल्म को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि सिनेमा के अंदर रिलीज नहीं होगी, रिलीज टल गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और इसको लेकर अभी तक जो है सेंसर बोर्ड ने कोई भी अपडेट नहीं दिया, कोई भी यहां पर अपडेट नहीं आई है कि कुछ सीन ज़रूर हटाए जा सकते हैं अगर सेंसर बोर्ड उनको पास ना करे, लेकिन फिल्म की रिलीज को नहीं टाला जा सकता है, किसी भी तरह से यहाँ पर बायकॉट फैल नहीं हो सकता। इसी बीच आपको बता दें कि जवान मूवी के अंदर जिस प्रकार के किरदार में शाहरुख खान लौटे हैं, जिस प्रकार के किरदार में उनको दिखाया गया है, वो एक अपने आप में लाजवाब है। यानी बैक टू बैक मूवी की एक अच्छी सक्सेस हो सकती है। काफ़ी लोग आपको देखेंगे कि ये शाहरुख खान के लिए खतरनाक है, ये शाहरुख खान के लिए अच्छा नहीं है, शाहरुख खान ने ऐसे किया, शाहरुख खान ने ऐसे किया। अरे भैया, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपकी मूवी नहीं चलती तो इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप मूवी ऐसी बनाते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि हर साल आप मूवी देने से अच्छा है तो आप 5 साल में एक मूवी दे दीजिए, लेकिन अच्छी तो दीजिए। जिस प्रकार से SRK, शाहरुख खान, सलमान खान, यार कम से कम इनकी मूवी, शाहरुख खान की मूवी लगा लो, मेरे को तो याद ही नहीं शाहरुख खान की इससे पहले मूवी कब आई थी। लगता है 4 या 5 सालों के बाद ये 2 मूवी आ रही है, जवान और पठान। ऐसे ही सलमान खान की मूवी आती है, लेकिन कुछ अन्य हीरो हैं जिनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, हर 3 महीने नई मूवी रिलीज कर दो भैया, कभी वेब सीरीज पर रिलीज कर दो। अरे पका के रख दिए यार, कम से कम मूवी तो अच्छी होनी चाहिए ताकि मज़ा आए। इस मूवी के अंदर मज़ा आएगा, लेकिन राजनीति हो रही है भागुए के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। अरे भैया, मूवी इंटरटेनमेंट के लिए बनती है, आपको सिनेमा में नहीं देखने तो मत देखिए, आप बाद में फ्री में देख लीजिए। तो अच्छी मूवी है, इसको जवान को काफ़ी तारीफ की जा रही है, विजय सेतुपति, थालापति भी जी, जवान मास लीडिंग रोल है। तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट कर सकते हैं। जवान के अगर टीजर की बात की जाए तो ये टीजर 14 जनवरी को रिलीज किया जा सकता है, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।